सो गाइस ये आखिरी सेट होने वाला है 30 किलो से, यही अपना जिम का सबसे हैवीएस्ट डंबल होता है, तो देखते हैं कितना जाता है। ये इस साल का लास्ट ब्लॉग होने वाला है एंड अभी हम लोग जिम में आ गए। आप टाइटल देख के समझ गए होंगे इस वीडियो किस बारे में होने वाला है। एंड शुक्रिया इस साल में इतना सारा प्यार देने के लिए, सब्सक्राइबर देने के लिए। होप नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा चैनल को एंड आप लोग इससे भी ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलो एज द टाइटल से पहले वार्म अप कर लेता हूँ, उसके बाद उठाता हूँ। यार ये मतलब ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मतलब हेवीएस्ट डंबल ये पकड़ना, मतलब जो हम लोग जिम में जो डंबल है हेवीएस्ट डंबल वो मैं पहले उठा लेता, बट ट्रैवल करता रहता हूँ मैं, थोड़ा सा स्लिप हुई इसके कारण थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज बहुत एक्साइटेड हूँ लिफ्ट करने के लिए। सो लेट्स गो, आज हम लोग मारने वाले चेस्ट खाली, सो चलो शुरू करते हैं उसका एक्सरसाइज। तो भाई जाओ होम इज डन एंड अभी हमको मारने वाले फर्स्ट एक्सरसाइज, चेस्ट का सब चेस्ट करेंगे आज। फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाला अभी एंड दैट इज डंबल ब्रेंच प्रेस। सो लेट्स गो, इसमें अपना आज मैं इससे पहले भी पीछे लगा चुका हूँ लेकिन उस समय 3 या 4 ही गया था। सो लेट्स इज वाइट आता है, लेट्स गो। तो गाइस ये आखिरी सेट होने वाला है 30 किलो से, यही अपना जिम का सबसे हैवीएस्ट डंबल होता है, तो देखते हैं कितना जाता है, क्या रेट जाता है। लेट्स गो, सात रेप मेरा विदाउट सपोर्ट गया और लास्ट 3 रेप में मेरे को सपोर्ट लगा एंड डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते बाद में फिर एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड वही पावर मेरे में है, अच्छा लग रहा है एंड विल प्रोग्रेस। इसको विदाउट सपोर्ट 10 लेके जाएंगे नेक्स्ट वीक में या फिर उसके बाद वाला वीक में, नेक्स्ट वीक में आएगी चला जाएगा। तो अभी चलो बाकी एक्सरसाइज करते हैं एंड मज़ा आ रहा है।
के साथ हम लोग आने वाले हैं इनक्लाइन फ्लाइंग, जिसमें अपर चेस्ट में और अच्छे से पंप आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। एंड अपना खाना वाना सब हो चुका है। सो आज का वीडियो ऑब्वियसली बहुत 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 स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि यू नो मैं टारगेट किया था कि इस साल का एंड तक ऑब्वियसली अपने आप को मतलब एक्सरसाइज के मामले में अपने आप को एक नया लेवल तक पहुंचाने का। एंड यू नो हमेशा दिखता था बाकियों को जिम में हैवी डंबल्स लिफ्ट करते हुए, मैं भी सोचता था कब मेरे पास भी इतना पावर होगा। एंड ऑब्वियसली यू नो 6 मंथ्स बीच में थोड़ा अप डाउन ग्राइंड करते करते फाइनली मैं भी उस लेवल तक पहुंच गया। सो आई होप आप सबको ये वीडियो देख के पसंद आया है, एंड पसंद आया तो प्लीज़ ये ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, शेयर करो इस ब्लॉग को हर एक जन के साथ, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। यार आपको सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड लाइक करना इस वीडियो को। हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीबडी आउट देयर, मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का जितना भी ड्रीम्स हो सब पूरा हो जाए न्यू ईयर में, जितना जितना आप लोग टारगेट करके रखो सब चीज़ पूरा हो जाए। एंड इस चैनल को और ज़्यादा प्यार देना। टिल देन ये वीडियो को इधर ही एंड करता है। पीस।